हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल ईशा ठाकुर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज की जो मेरी वीडियो है वो है मेक जोक ऑफ की एंड आईपीएल डिस्कशन पे रिएक्शन। सो स्टार्ट करने से पहले मैं बोल दूं, अभी तक जितने भी लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं कैसा आईपीएल डिस्कशन हुआ है। वैसे आप में से कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो मैच या फिर आईपीएल बहुत ज़्यादा देखते हैं? मैं देखती हूँ बट बहुत ज़्यादा नहीं, और बहुत कम, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान मैच हुआ या फिर आईपीएल, बहुत कम। सो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन लोग हैं जो आईपीएल के बहुत बड़े फ़ैन हैं। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। महेंद्र सिंह धोनी का इतने बड़े फ़ैन है, इधर ए इधर सुनो, घबराऊ महेंद्र सिंह धोनी का इतने बड़े फैन है, सीना फाड़ के दिखा देंगे, धोनी फोटो निकल आएगी। जानी था तुम कितने बड़े फैन, छोटा मोटा ना समझना हमको, मिलके आए हैं। ए भैया सही बताओ, स्टेडियम गए थे, आगे वाली सीट पे बैठे थे, खेलने जा रहा था, हमने कहा इधर रुको, कोई तक्का, हमने कहा इधर आओ, आवा, हमने कहा ऑटोग्राफ दो, दिस हमने कहा फोटो खींचो, खींची सही बता, सही हम तुम लोग का बता रहे हैं। आधे टेम तो तुम लोग हैया हो और ये तुमका पूरा टेम बना रहे हैं। थोड़ी देर सुन लिया करो, एक तो बत्ती आने रही, पसीना बहिरा शरीर से गंध आ रही, दिमाग खराब करने के लिए सामने तुम बैठे हो, और ट्रांसफार्मर तो सही हुआ नहीं होगा अब तक। अरे वो अवस्थी जी गए हैं सीढ़ी लेके सही करवाने, अवस्थी जी कहीं तो कुछ ना सही करवाए, ज्यादा एहसान ना करे हम लोग के ऊपर, और यहो फुड़वा दे जो लगी हम लोग की गली में सोलर वाली। क्या है परेशान हो रहे, सही हो जाएगी भैया। हाँ, जो क्रिकेट में बैट लोग खेलते हैं वो बहुत भारी होता ना। अबे बैट तो तुम भूल जाओ, तुम बात करो बॉल की, हाथ से उठाने जाओगे तो हाथ उखड़ जाएगा, इतनी भारी होती सिलेंडर, जानते हो सिलेंडर, सिलेंडर तो तीन गुना भारी होती बॉल, तुम्हारे जैसे नहीं फोम वाली बॉल तो खेला पुचुक पुचुक हुई रही। क्या बोल रहे हो, तीन गुना? हाँ सिलेंडर का तीन गुना। अच्छा, भरा कि खाली? भरा सिलेंडर, भरा सिलेंडर, जो कुछ ज्यादा नहीं हुई रहा। कभी स्टेडियम गए हो? नहीं, हमका कोनो शौक नहीं है। कभी चले जाना, जब छक्का आए ना तुम्हारी तरफ तो खोपड़ी आगे कर लेना, तब पता चलेगा कितनी भारी होती कितनी भारी नहीं होती। खोपड़ी गेंद निकल आएगा फिर। गेंद नहीं निकल आएगा, तरबूजा लिए बैठे ब्लास्ट हो जाएगा। ए भैया सही बता, ये नहीं तो जाके देखना कभी स्टेडियम में, हमको जाने कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे ज्यादा मैच का भूत चढ़ा, तुम्हारी जाओ। मैच का भूत, जानते हो मैच का भूत क्या होता है? क्या होता है, क्या होता भैया? जिस दिन मुंबई इंडियंस हारे वान खेड़े बगल से चले जाना 3:33 पे। अच्छा, अंपायर नाचते दिखते हैं। अंपायर नाचते दिखते हैं। पापा क्या बताओ, कह रहे मम्मी बुला रही, खाना बनाओ आके। बनाओ खाना, बनाओ मतलब खाओ आके, खाए और बनाए में कोनो अंतर नहीं तुम्हारे लिए। अरे आप जल्दी पीटी खिंचवा रहे हो घंटा भर से, बुला रही, रुको थोड़ी देर आ रहे हैं, कोनो अमृत नहीं बनूती तुम्हारी मम्मी कि हम खाए के लिए लालायित रही। ओ भैया, हाँ वो कौन सा प्लेयर रहता जो खोपड़ी में लुंगी बांध के आता? हाँ एक होता नहीं जो लुंगी बांध के आता खोपड़ी में, ये समझ नहीं पा रहे क्या बोल रहे। अरे वही जो खड़े खड़े चक्का मार देता। कौन लेट के चक्का मारता यार, सब खड़े खड़े चक्का मारते हैं। यही मारते हैं लेट के चक्का, वो कौन मारता? नहीं कुछ लोग होते हैं ना जिनकी जान निकल जाती चक्का मारने में, पर वो खड़े खड़े मार देता। गेल की बात कर रहे हो? हाँ वही वही वही, क्या नाम है का, गेल। तो लुंगी बांध के आता है? लुंगी नहीं आते बांध के पीछे, काली काली लुंगी है वो। लुंगी है, स्टाइल है उनकी। अरे भैया स्टाइल से तो हम बहुत परेशान, हमारी बिटिया कल मैच देख रही रहे हमारे साथ, आंधे रसेल बहुत पीट रहा रहे, कहने लगी पापा, कहा कहस कि अब की बार जब बाल कटवाना तो आंधे रसेल वाले कटवाना। अच्छा, आंसू लगी हो। अच्छा। अपनी बिटिया से कह दो ना उनके लिए कौनो हेयर स्टाइल ढूंढ दे, बने भिखारी घूमा करत। अबे एक बात बताओ तुम जरा, पूछो, इतनी गर्मी में भी तुमका रहाइश नहीं ना, इतनी बढ़िया आईपीएल की बातें चल रही तुमको समझ में नहीं आ रहा कुछ? अरे हमको आईपीएल की बातें, हमको आईपीएल नहीं समझ में आता है तो भागो यार, चलो
नहीं समझ में आता है बंदा कहाँ बैठे हो? अपने चबूतरे बैठे तुम्हारी छाती पर नहीं बैठे जो भगा रहे तो बैठ जाओ क्या छाती बैठ जाओ के तुम आओ बैठो आके हाँ तो बैठ जाएंगे ना चिंता काय करो आएंगे वो भी समय आए जहाँ सिर्फ आईपीएल की बातें होंगी और कोई बातें नहीं होंगी फालतू ऐसा है तो भैया आईपीएल की बातें बिल्कुल नहीं होंगी हम गाना गाएंगे ए बी सी डी ई एफ जी समय निकले पंडित जी ने आधा रखा था ना कहीं लाओ जरा उस समय निकले पंडित जी ए बी बंद कर रहा हूँ गाना थोड़ा खोपड़ी लागत बत्ती आए है वाली है मोटर कूलर एसी तक चला डालना बस टीवी ना चलाना खाली काहे के मारा मैच आ रहा है चलाओ टीवी तुरंत स्कोर देखो कितना हुआ देखो कहाँ चली ही जाए भाई ये जो बोल रहा है वही बोल रहा है FBCDEFG उस समय निकले पंडित जी अभी मार खाने वाला है पंडित जी की बड़ी चुटैया काफ़ी अच्छी वीडियो थी बट मुझे इससे पिछली वाली बहुत ज़्यादा अच्छी लगी एंड स्पेशली मैं ये बोलना चाहूँगी कि बहुत ही अच्छा है वो अलग अलग टॉपिक सोचते हैं एंड उस पर वीडियो बनाते हैं सो मुझे काफ़ी बेटर लगा और आई होप कि नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी से आए सो मुझे मेंग्रोव ऑफ की वीडियो वैसे भी पसंद है काफ़ी सो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी और प्लीज़ मुझे बताना कि कौन कौन है जो क्रिकेट देखता है या किसको बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि मैंने देखा है लड़कों का तो फेवरेट स्पोर्ट ही होता है क्रिकेट सो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए किसको किसको पसंद है एंड अगर आपको कुछ और पसंद है लाइक फुटबॉल हॉकी या कुछ भी तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए एंड वीडियो कैसी लगी ये भी बताइए वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर